बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का टॉपिक हमारा भैरी टाउन कराची के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्टेड विला हैं, स्पेशली उसमें 200 स्क्वायर यार्ड और 235 स्क्वायर यार्ड की जो कैटेगरी है उसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन कराना है, क्योंकि बहुत सारे हमारे क्लाइंट को कन्फ्यूजन होती है कि एक ही साइज का घर है जो 1,30,00,000 रुपए का है और उसी बिल्कुल वैसे सेम साइज का घर है जो कि 2,20,00,000 और 2,30,00,000 रुपए का। सो आज की वीडियो में आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों इतनी प्राइस की वेरिएशन है और ये विलास कहाँ का अवेलेबल है और उनकी क्या प्राइस रेंज है। सो जी मैं आपको स्टार्ट करूंगा भैरी टाउन कराची के। जैसे आप गेट से इंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर सबसे पहले आपके पास प्रेसेंट 1 और उसके साथ प्रेसेंट 2 आता है, और इसके अंदर भैरी टाउन कराची ने 200 स्क्वायर यार्ड के विला दिए हैं जिनको नॉर्मल लोग कायद विला के नाम से भी कहते हैं। और ये कायद विला 200 स्क्वायर यार्ड के भैरी टाउन कराची ने 200 गज के ऊपर बनाए हैं और इसमें ग्राउंड प्लस 1 की प्लानिंग है। ये पहले मैं ब्रॉडली क्लियर करूँ कि जितने भी विला के बारे में आपको बताने वालों के सारे ग्राउंड प्लस 1 के ऊपर बने हुए हैं। इन सारों में नीचे एक मास्टर बेडरूम विद अटैच बाथ और हमारा ड्राइंग और डाइनिंग रूम आते हैं, और ऊपर वाले फ्लोर में हमारे इसके 2 बेडरूम इन दोनों के साथ अटैच वॉशरूम है और सेंटर में एक सिटिंग एरिया। सो ये सारे विला की प्लानिंग बिल्कुल सेम है और सिर्फ इनकी लोकेशन का डिफरेंस है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्राइस में फर्क है। सो जी कायद विले की जो प्राइस रेंज है वो इस वक्त मार्केट में 2,15,00,000 रुपए से की प्राइस शुरू होती है और 2,20,00,000 और 2,25,00,000 और तकरीबन 2,60,00,000 रुपए तक की प्राइस है। इस यानी 2,15,00,000 से लेके 2,25,00,000 और 2,50,00,000 के जो रेंज है वो डिपेंड कर रहा है लोकेशन पे, क्योंकि जितने भी कमर्शियल बैक या कमर्शियल फेसिंग के विला है वो लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि कमर्शियल के तकरीबन ग्राउंड प्लस 5 के फ्लोर बने हुए और वहाँ पे लोग पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके बैक साइड पे या फ्रंट साइड के ऊपर जब 5 फ्लोर का टावर बनता है तो उसकी वजह से आपकी घर की वेंटिलेशन भी डिस्टर्ब होती है और साथ ही साथ आपके घर की प्राइवेसी भी खराब होती है, क्योंकि आपका जो टेरिस है या आपकी छत है या आपका सहन है वहाँ पे आप फैमिली के साथ जरा सा गुरेज करते हैं बैठने में, क्योंकि आपके सामने या आपके बैक साइड पे जब ग्राउंड प्लस 5 का कमर्शियल टावर बने तो आपको जरा फैमिली के साथ वहाँ पे बैठना मसला होगा। सो जो कमर्शियल बैक या फेसिंग होगी वो तकरीबन आपको 2,15,00,000 रुपए से स्टार्ट होते हैं, और जैसे जैसे आप जाएंगे लोकेशन वाइज यानी बड़ी रोड के ऊपर जाएंगे तो थोड़े ज़्यादा रेट होंगे, आप पार्क फेसिंग जाएंगे थोड़ा और महंगा, इसी तरह कॉर्नर या मस्जिद फेसिंग या पार्क फेसिंग ज़्यादा रेट है। सो कायद विले की प्राइस रेंज 2,10,00,000 से शुरू होकर और 2,50,00,000 या 2,60,00,000 रुपए तक की आपको रेंज में विला मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। अच्छा, इससे आगे हम चलेंगे तो प्रेसेंट 10 तकरीबन मेन गेट से ये 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है, बट प्रेसेंट 10 भी इस वक्त ऑलमोस्ट कोई 60% के करीब आबाद हो चुका है। यहाँ पे मस्जिद लाइफ है, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज लाइफ है, यहाँ पे बैंक खुल गया है, यहाँ पे सारी आपको जरूरत जिंदगी चीजें मिल जाती हैं। प्राइस रेंज इस वक्त वहाँ पे 1,70,00,000 रुपए से लेके और तकरीबन 2,10,00,000 रुपए तक की रेंज है, और ये 40,00,000 रुपए का डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ ये भी डिपेंड कर रहा है लोकेशन पे, यानी जो आपकी कमर्शियल बैक या फेसिंग है अगेन वो थोड़े सस्ते हैं, वो हो सकता है आपको कुछ जगहों पे 1,55,00,000 या 1,60,00,000 रुपए के भी मिल जाएं, लेकिन जितने भी रेगुलर विलाज हैं वो सारे 170-175, फिर जितने इसमें चीज़ आप ऐड अप करेंगे, फॉर एग्जांपल बड़ी रोड है तो वो 180 का और पार्क फेसिंग है वो 190, कॉर्नर 2,00,00,000 या 2,10,00,000 रुपए तक। सो ये दो मैंने आपको प्रेजेंट कवर किए, जिसमें कायद विला जिसकी प्राइस रेंज मैंने आपको 2,10,00,000 से लेके 2,50,00,000 और 2,60,00,000 की बता दिया, उसके रीजन सिर्फ ये है कि वो गेट के इंटर होते ही प्रेसेंट 2 यानी बिल्कुल मेन गेट के ऑलमोस्ट कोई 1 किलोमीटर से भी कम के डिस्टेंस के अंदर आया था। उसके बाद प्रेसेंट 10 आपको मैंने बता दिया जो कि तकरीबन गेट से 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम बने हुए हैं, आबादी दोनों में आ गई है। हाँ, कायद विले में ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 80-90% आबाद है, जबकि जो प्रेसेंट 10 के विला है वो समझे कि 50% या 60% आबाद हैं, इसी वजह से डिस्टेंस की वजह से और सहूलियात की वजह से तकरीबन 40 से 50,00,000 रुपए का इन दोनों प्रेसेंट के अंदर गैप है। सो जी इन दोनों से हम आगे चलते हैं तो हमारे राइट साइड के ऊपर लंदन ब्रिज के साथ क्या था प्रेसेंट 27 और थोड़ा और मजीद आगे आप आगे जाएंगे तो प्रेसेंट 31, ये दो प्रेसेंट है जहाँ पे भैरी टाउन कराची ने 235 गज के विला बनाए। कायद विला और प्रेसेंट 10 जो पहले आपसे मैंने कवर कर दिया, ये दोनों भैरी टाउन ने 200 गज के ऊपर बनाए हैं, और 27 और 31 ये दोनों के दोनों 235 गज के ऊपर बनाए हुए हैं, बट प्लान दोनों में सेम है, यानी नीचे आपको एक मास्टर बेडरूम विद अटैच बाथ, किचन, ड्राइंग, डाइनिंग और बाहर आपको कार पोच मिलता है, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 2 बेडरूम और दोनों के दोनों अटैच वॉशरूम के साथ, सेंटर में एक आपको सिटिंग एरिया और बाहर आपको टेरेस मिलता है। सो एनीवे बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ बना हुआ है, सिर्फ जो इसमें 35 गज एक्स्ट्रा आ रही है प्रेजेंट 27 के अंदर और प्रेजेंट 31 में, इन दोनों में जो 35 गज एक्स्ट्रा स्पेस है वो सारी आपकी जो पीछे की आपका जो सहन है
वो काफी बड़ा है कंपैरेटिवली काइट विला और प्रिशन टेन और जो आपकी सैड की गली है, ये दो जगह है जो आपकी 35 गज एक्स्ट्रा आ रही है। प्राइजेज आपको मैं बता दूं कि प्रिशन 27 के अंदर भी दो एरिया है, एक एरिया तो वो है जो कि बिल्कुल लंदन ब्रिज के साथ आता है और दूसरा एरिया थोड़ा सा आगे जाके है बट वो जिना एवेन्यू के बिल्कुल एडजस्टेंट है। सो इन दोनों एरिया में यानी प्रिशन 27 के अंदर आपको विला के जो रेंज है वो 1,40,00,000 रुपए से शुरू होके और तकरीबन 1,60,00,000 और 1,70,00,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर विला मिल जाती है। अगेन इन प्रीसेंट के अंदर भी मस्जिद लाइव है, कमर्शियल एक्टिविटीज लाइव है, बाकी सारी चीज लाइव हो चुकी हैं और विलास जो है वहां पे काफी कम कीमत के ऊपर मिल रहे हैं। और क्या रीजन है कि गेट से ये जगह तकरीबन कोई 8 से 9 किलोमीटर के 10 किलोमीटर का डिस्टेंस भी है और प्लस आबादी इस वक्त इस प्रीसेंट में तकरीबन 20 या 30% या 40% आबादी आई है। सो जितना जितना आप भैरी टाउन कराची के मेन गेट से दूर जाएंगे आपको प्राइस रेंज के अंदर कमी भी महसूस होगी और इसी तरह आबादी भी वहाँ पे कम है। जैसे आपको मैंने बताया कि काइज विले के अंदर ऑलमोस्ट 80-90% आबाद है, बल्कि आप उसको 100% भी आबाद बोल सकते हैं क्योंकि तकरीबन सारे ही घर आबाद हैं बट बहुत सारे ऐसी फैमिलीज भी है जो यहाँ पे वीकेंड्स के ऊपर या छुट्टियों के ऊपर आती हैं। तो बट आबादी वाइज काइज विला सबसे ज़्यादा आबाद है प्रिशन 10 कंपेरेटिवली कम। इसी तरह प्रिशन 27 को आप ले सकते हैं कि जी 30-40% वहाँ पे आबादी आ गई। एनीवे वहाँ पे भी जो आपकी गैलरी है वो एक्टिव हो चुकी है, जो मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्टिव है, पार्क वहाँ बन गए हैं, लोगों का फुटफॉल वहाँ पे आने लग गया है। सो प्राइस में आपको बता दें कि 1,40,00,000 से लेकर 1,60,00,000 या 1,70,00,000 रुपए के वहाँ पे आपको विला मिल जाएंगे। अगेन ये जो रेंज दे रहा हूँ उसकी रीज़न वही कमर्शियल और पार्क फेसिंग का डिफरेंस आ रहा है। ओके आगे जाएंगे तो प्रश्न 31 समझे कि जो 235 गज की कैटेगरी इसमें लास्ट प्रश्न हमारा 31 है, गेट से ऑलमोस्ट कोई 15-16 किलोमीटर का की ड्राइव है और वहां पे आपको आज 235 गज के ग्राउंड प्लस वन पे मिला 1,30,00,000 की प्राइस शुरू होके और तकरीबन 1,40,00,000 और 1,50,00,000 की रेंज में आपके वो विला मिलते हैं। अगेन जी प्लानिंग बिल्कुल सेम, सारा कुछ सेम है लेकिन गेट डिस्टेंस होने की वजह से और आबादी वहाँ पे इस वक्त आप ले सकते हैं कि 10-20% आबाद होगा, बहुत ही कम वहाँ पे आबादी है, इसी वजह से इस वक्त वहाँ पे प्राइस रेंज बहुत कम है। जो लोग रहने के लिए अपना घर लेते हैं और अगर उनका बजट कम है तो वो मजबूरन वहाँ जाते हैं, अदरवाइज लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए उस जगह के ऊपर लिया हुआ है कि 235 गज का आज आप अगर कंस्ट्रक्शन भी करेंगे तो तकरीबन 2 करोड़ के करीब आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ेगी। बट इस जगह पे बहरीटाउन कराची में प्रिशन 31 में सिर्फ 1,30,00,000 रुपए की प्राइस स्टार्टिंग विलाज है वहाँ पे और 1,40,00,000 और 1,50,00,000 की रेंज में इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा प्रिशन है जहाँ पे 235 गज का विला आपको इन प्राइस में मिलता है। होप सो मैंने जितने भी बहरीटाउन के जो कंस्ट्रक्टेड विला है 200 और 235 गज के उन सारों कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं जो पैराडाइज की विला है और स्पोर्ट सिटी की विला है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर आप बहरीटाउन कराची किसी भी विला में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करें, आए हम आपको इंशाल्लाह विजिट करवाते हैं ये विला और इस तरह की अच्छी डील दिलवाते हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।